क्वेश्चन नंबर टू में कहा गया है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल नंबर वन। देखिए पेज नंबर 71 पे हमें दो एग्जांपल दिए हुए हैं। उसमें पहला ये है जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, कि दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, और उन दोनों के पास ही 5 मार्बल्स लॉस्ट हो जाते हैं। ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, और उसके बाद जब 5 मार्बल्स उनके लॉस्ट हो जाते हैं, उसके बाद उन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा ना मार्बल्स का, वो 124 है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, कि शुरू में उनके पास कितने मार्बल्स थे। तो सबसे पहले मैं लेट कर रहा हूं, लेट जॉन हैव मार्बल्स इक्वल टू एक्स, कि जॉन के पास जो मार्बल है ना वो एक्स है, ठीक। सो जीवांती हैव मार्बल्स, तो जीवांती के पास कितने मार्बल होंगे? देखिए दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स थे, तो जीवांती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ऐसे सोचिए कि अगर इसके पास एक्स मार्बल हो गए तो दूसरे के पास कितने बचेंगे? 45 माइनस एक्स। अब इन दोनों को आप ऐड करिए तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, कितने बचे? 45, ठीक है ना। इस तरह से तो पहले के पास अगर x मार्बल है तो दूसरे के पास कितने बचेंगे? 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। अगर x की वैल्यू 20 है तो 20 हो गई, अब इसके पास कितने मार्बल हो जाएंगे? 25 होने चाहिए, तो 45 माइनस 20 कितना बचा? 25, ठीक है ना। तो दोनों के पास 45 मार्बल्स थे, तो पहले के पास अगर हमने x मान लिया तो दूसरे के पास 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। अब देखिए उन्होंने कहा कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, है ना। तो लेके आफ्टर Losing 5 marbles both, तो देखिए जब दोनों के पास से 5 marbles lost हो जाएंगे तो John के पास कितने बचेंगे? John have marbles, John के पास जो मार्बल बचेंगे ना, देखिए अभी तो पहले तो उसके पास x मार्बल थे और उसके पास से 5 खो गए, तो x माइनस 5 बचेंगे। भाई x में से 5 माइनस कर दीजिए, इतने मार्बल उसके पास बचे। एंड जीवांती हैव मार्बल्स, इसके पास शुरू में तो इतने थे 45 माइनस एक्स, उसमें से 5 खो गए तो माइनस 5 कर देंगे। अब यहां नंबर 45 पहले से था, माइनस 5 कर दो, कितना बचा? 40 माइनस का एक्स। तो अब उसके पास जो मार्बल बचे वो सिर्फ इतने बचे, ठीक। अब इसके बाद अब जो था ना, जब खो गए थे 5 मार्बल, उसके बाद जो नंबर ऑफ मार्बल्स है ना, तो नंबर ऑफ मार्बल्स ये थे और ये थे, इन दोनों का प्रोडक्ट 124 है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भैया x माइनस 5, जॉन के पास जो मार्बल थे, जीवांती के पास मार्बल ये वाले थे 40 माइनस एक्स, और उन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया और वो किसके इक्वल आ गया? 124 के इक्वल आ गया इसके। तो ये हम इससे सॉल्व कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। तो x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? पहले इन दोनों टर्म से करेंगे, x मैंने बाहर लिखा, यहां लिखेंगे 40 माइनस एक्स, माइनस 5 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 40 माइनस एक्स से, और इक्वल टू कितना बचेगा? 124। x की मल्टीप्लाई करते 40 से कितना हो जाएगा? 40x। x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 5 की 40 से करेंगे माइनस का 200, माइनस 5 की माइनस एक्स से करेंगे माइनस माइनस प्लस, और प्लस का 5x, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 124, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखिए यहां माइनस का एक्स स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, पहले इस वाले टर्म को ना, पावर 2 वाले टर्म को सबसे पहले लिखते हैं, जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है ना उसे पहले लिखते हैं, फिर जिसकी पावर इससे कम होती है 1 वाले। तो ये 40x है, 5x है, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 45x हो जाएगा, ठीक। ये कांस्टेंट है हमारा माइनस का 200 ऐसे रहा, इक्वल टू 124, ठीक। ये वाला जो टर्म था ना, इसे लेफ्ट में ला रहे हैं, सभी टर्म को एक तरफ रखते हैं, इक्वल टू में तो जीरो रहता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये माइनस का 124 हो गया, इक्वल टू में हमने रख दिया जीरो। सॉल्व करते हैं इसे, और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का ये हो जाएगा 324, आर इक्वल टू में जीरो, इस तरह से। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि जो सबसे बड़ा
टर्म होता ना पावर में x की पावर 2 वाला, वो हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसे हम हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन में से हम माइनस का साइन कॉमन ले रहे हैं, तो ये वाला टर्म किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 45 प्लस का था वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, ये माइनस का था ये किसका हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, ये वाला माइनस का टर्म इधर जीरो में चला जाएगा, तो माइनस का जीरो में जाके तो जीरो के अपॉन में चला गया, ठीक है ना, माइनस वन, तो जीरो के अपॉन में तो जो हो जाता है वो जीरो हो जाता है। ये हो जाएगा सिर्फ इतना हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो देखिए फैक्टर करेंगे 324 के, तो 324 किसके टेबल में आएगा, सबसे पहले तो आएगा 1 के टेबल में, ठीक। 324 2 के टेबल में भी आएगा, हाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 162 बार। 324 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 8 24। 324 4 से भी आ जाएगा, 4 8 32, 4 1 4, इस तरह से। 324 फिर 6 के टेबल में आएगा, 6 5 13, 6 4 जहाँ आ रहा है, 6 5 30 और 6 4 24। फिर देखते हैं किसके टेबल में आ रहा है, ये आएगा 9 के टेबल में, तो 9 3 27, 9 6 54। फिर जाएगा ये किसके टेबल में, 12 के, 12 2 24, 24 8 12 7 84। इसके बाद फिर किस जाएगा ये, ठीक है ना, फिर 27 से ही जाएगा। इस तरह से हमने फैक्टर कर लिए इसके, ठीक है ना। हमें वो वाले फैक्टर चाहिए जिनका सम 45 आना चाहिए, तो देखिए सम करके देखते हैं, इन सम में किसका सम 54 हो रहा है, ये वाला देखिए। अगर मैं 36 और 9 को ऐड करूंगा ना, तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, बाकी सबका सम 45 नहीं आएगा। तो इस 45 की जगह मुझे क्या रखना है, 36 और 9 रखना है, ठीक। तो मैं यहां लिखूंगा, देखिए ये एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन भी ऐसी रहा, और 45 की जगह मैंने लिख दिया 36 प्लस का 9, एक्स ऐसी रहा बाहर, प्लस 324 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, जीरो, इस तरह से। अब देखिए इस x की मल्टीप्लाई में अंदर कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 36x प्लस का 9x, अब प्लस का 324 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक, x स्क्वायर ऐसे रहा, ये माइनस अंदर भेज रहा हूं, तो माइनस का 36x माइनस का 9x और प्लस का 324 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, जीरो। देखिए चार टर्म हो गए हमारे, शुरू के टर्म में देखिए कॉमन देखते हैं तो x आ जाएगा वेरिएबल, यहां दो में से एक बाहर चला गया, एक वेरिएबल बचा माइनस 36x था, ये x बाहर चला गया, कितना बचेगा, 36। यहां पे आप देखते हैं, देखिए यहां जो हमारे दो टर्म है ना, इसमें से थर्ड टर्म जो है वो माइनस का है, तो मैंने माइनस कॉमन लिया यहां पर, और 9 के टेबल में 324 आता है, 324 तो 9 हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट यहां से 9x से 9 बाहर आ गया, यहां कितना बचा x, इस प्लस में से माइनस बाहर लिया तो माइनस बचेगा, और 9 के टेबल में 324 आता है 36 बार, इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम आई है, और हमेशा सेम ही आते हैं जब हम फैक्टर करते हैं। इस वाली ब्रैकेट को मैं बाहर ले आऊंगा, एक्स माइनस 36, तो दूसरी ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस का 9, इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए ये दो टर्म है जिन दोनों की मल्टीप्लाई जीरो हो रही है, तो या तो ये वाला टर्म जीरो है या ये वाला टर्म जीरो है, तो लिख रहे इफ एक्स माइनस का 36 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। या फिर ये जीरो है तो लिखेंगे इफ x माइनस का 9 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा भाई। तो हमारे दो निकल गए वैल्यू x के। तो देखिए जॉन के पास कितने मार्बल थे, x थे, तो लास्ट में हमें इस यहां पर लिखना है, लास्ट में लिखेंगे सो जॉन हैव मार्बल्स। तो देखिए दो वैल्यू आ रही है, अगर उसने हमने माना 36, सबसे पहले 36 लेते हैं, तो जीवांती के पास मार्वल हो जाएंगे, जीवांती हैव मार्वल्स इक्वल टू 45 माइनस एक्स, एक्स के लिए क्या लिखेंगे 36, तो कितना हो जाएगा 9। तो जॉन के पास अगर 36 मार्वल थे, तो जीवांती के पास 9 हो जाएंगे, और जॉन हैव मार्वल्स, दूसरा केस हम क्या लेते हैं, अगर हम 9 मान लेते हैं एक्स को, तब जीवांती के पास कितने हो जाएंगे मार्वल, जीवांती है मार्वल इक्वल टू 45 माइनस एक्स, तो एक्स कितना 9, तो ये हो जाएगा 36। तो दोनों ही केस पॉसिबल है, अगर जॉन के पास 36 होंगे तो जीवांती के पास 9 होंगे,
अगर जॉन के पास 9 होंगे तो जीवांती के पास 36 मार्बल्स हो जाएंगे।